वॉचिंग कुक स्मार्ट विद संजीव कपूर। और नाश्ता जो है सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ हेल्दी होना चाहिए। तो इसके लिए अब देखिए ब्रेकफास्ट के लिए समय तो मिलता नहीं है ना, लेकिन जब भी समय मिले तो थोड़ी सी मेहनत कर लें। वैसे मेहनत का फल जो है वो अच्छा ही होता है, मीठा ही होता है, लेकिन यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, स्मार्ट कुकिंग करवाऊँगा। तो ये बनाने के लिए पहले बताता हूँ कि क्या बना रहे हैं। देखिए ये हम एक्चुअली ले रहे हैं यहाँ पर मशरूम, और ये जो मेरे पास मशरूम है थोड़े बड़े साइज़ के मशरूम ले लें आप। और उसमें एक काम करते हैं, ये जो बड़े साइज़ के मशरूम हैं ये लेकर इसमें से ये इसकी जो स्टेम है ये निकाल लेते हैं। तो ये स्टेम निकाल कर फिर इसमें क्या करना है हमें, इसको ज़रा रोस्ट करेंगे हम। तो रोस्ट कैसे करेंगे भाई, देखिए रोस्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सॉल्ट, उसके साथ साथ पेपर, और इसमें हम डालते हैं थोड़ा ऑलिव ऑयल और बाल्सामिक विनेगर। तो ये ऑलिव ऑयल, ये जो हमारे पास है इसे अब हमने कुछ देर तक ऐसे ही रहने देना है ताकि ये इसमें जरा मैरिनेट टाइप हो जाए। तो ये ले लिया एयर फ्रायर, और एयर फ्रायर लेकर ये जो मशरूम है ये लीजिए, ये मशरूम आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से उल्टा करके रख रहा हूं। वो क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें जो इसका मैरिनेड है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा समय मिला नहीं इसे मैरिनेट करने का, तो इसी तरह से थोड़ा मैरिनेट इसके अंदर डाल दिया और इसको रख देते हैं रोस्ट करने के लिए ये एयर फ्राई के अंदर 200 डिग्री पर। आप चाहें तो दूसरे मशरूम भी ले सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर हैं। अगर आपके पास में ड्राइड वाले मशरूम हो, जैसे बहुत सारे मशरूम आजकल मार्केट में मिलते हैं आप देखते हैं, तो अगर आपके पास में बड़े साइज़ का पोर्टेबल मशरूम है वो आप ले सकते हैं। आप इसके अंदर काफ़ी अलग अलग किस्म के मशरूम रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ड्राई मशरूम है तो उसको पहले सोक करके, जैसे इसे हमने सोक किया हुआ है वो करके फिर इसे आप इस मैरिनेड के अंदर डालें। ये देखिए इसको भी उसी तरह से रोस्ट करना है। तो चलिए एक काम करेंगे, इसे भी रोस्ट कर लेते हैं। तो ये मैं जरा ले लेता हूं, ये देखिए ये जो मशरूम है ये भी रोस्टिंग के लिए तैयार। ये हम तैयार कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते के लिए भाई ब्रेड भी चाहिए। मेरे पास में आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, मेरे पास में मल्टीग्रेन ब्रेड है, और इसको टोस्ट कर लें या सेक लें, कैसे भी इसे थोड़ा सा सेकना ज़रूरी है, तो इसको हम सेक लेते हैं। जब तक ये ब्रेड सिकती है तब तक अंडों की तैयारी कर लेते हैं। जी हाँ, ये जो रेसिपी है ये अंडों की रेसिपी है, अंडे तैयार करने हैं हमने। नमक, वाह, पेपर, नमक और पेपर डाल दिया इसके अंदर, और ये जो अंडे हैं इसको फेंट लेना है हमें। ब्रेड सेकनी है, जलानी नहीं है। दूध,
और इसके साथ साथ इसके अंदर बटर भी डालना होता है, लेकिन बटर हम सीधा पैन के अंदर डालेंगे। ये लीजिए, ये ब्रेड जो है ये मज़े से हल्के से टोस्ट हो गई, और ये हमारे जो अंडे हैं हमारे पास ये भी तैयार। नमक और पेपर सिर्फ वही डाला इसके अंदर। ये लीजिए ब्रेड तैयार, पैन हमारे पास गर्मा गर्म तैयार, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और फिर ये जो बटर है ये लेते हैं, पैन अभी भी ज़्यादा गर्म, कोई बात नहीं, हटा दिया इसको हमने। और स्क्रैम्बल्ड एग पकाने की ट्रिक और टेक्निक ये है कि इसको बहुत ज़्यादा गर्म आपने अंडों को नहीं होने देना। तो ये लीजिए, ये दूध के साथ में बिना क्रीम के, लेकिन इसमें जो हमने अंडे लिए हैं मक्खन इसके साथ में हमने ज़रूर डाला है। ये जो स्क्रैम्बल्ड एग है परफेक्टली स्क्रैम्बल्ड, इसको देखिए क्या मज़ेदार, क्रीम नहीं डाली है, दूध के साथ में इसको हमने किया है। और मक्खन जो है पकाते समय उसी समय पैन के अंदर मक्खन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। ये देखिए सुबह का नाश्ता, उसमें अंडा। अब अंडे में नॉर्मली ऑमलेट वगैरह बन जाता है, स्क्रैम्बल्ड एग हमारे यहाँ पर मैंने देखा है घरों में थोड़ा कम बनता है। वो क्यों? शायद ऐसा लगता है कि स्क्रैम्बल्ड एग की कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी टेंशन होती है, या फिर हमारे यहाँ पे जो अंडा खाते हैं थोड़ा ओवर कुक भी खाते हैं। अब देखिए ऑमलेट भी जब खाते हैं तो एकदम बढ़िया से लाल हुआ हुआ मसालेदार, तब जाके मज़ा आता है। मैं कई लोगों को देखता हूँ सुनता हूँ कहते हैं कि नहीं नहीं अंदर से कच्चा वाला ऑमलेट है मज़ा नहीं आता, जबकि अंडा जो है वो ओवर कुक नहीं होना चाहिए, हल्का सा अंडर डन ही रहना चाहिए तभी मज़ा आता है। इसलिए अगर बढ़िया अंडा खाना है तो स्क्रैम्बल्ड एग थोड़ा सा रनी तभी जाके मज़ा आता है। मुर्गी की अपनी बात है लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग की अपनी बात है। मशरूम को निकाल लेते हैं, और मशरूम जो है ये मशरूम भी तैयार। ये लीजिए, हमारे पास जो मशरूम है ये ले लेते हैं, रोस्टेड मशरूम। अब ब्रेड ले ली हमने, हमारे पास स्क्रैम्बल्ड एग, ये ली एक स्लाइस और, और ये जो हमारे पास रोस्टेड मशरूम ये लेकर इसके साथ में, दैट्स इट। जैसे जैसे ब्रेड खाते जाएंगे उसके साथ में स्क्रैम्बल्ड एग का मज़ा, और साथ में मशरूम की जो बाइट है एकदम रोस्टेड मशरूम, सारे अलग अलग टेक्सचर्स। जी हाँ, क्रिस्प भी है, मॉइस्ट भी है, ब्रेड भी बढ़िया से क्रिस्प है और क्रीमी एग है। सुबह सुबह सारे टेक्सचर्स मिल जाएं खाने के लिए मज़ा आ जाए। इसीलिए तो ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी मेहनत लगनी चाहिए। ब्रेकफास्ट अगर बढ़िया है तो दिन की शुरुआत एकदम परफेक्ट।